पुलिस भर्ती की परीक्षा दो, एमपी पुलिस भर्ती दो, एमपी पुलिस भर्ती दो। सही बात है बेटा, इनको एग्जाम देना ही पड़ेगी, इनके बाप को भी। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि 4 सितंबर को हमारी कोई भी क्लास नहीं लगेगी। जो मध्य प्रदेश के युवा है वो जानते हैं कि 4 तारीख को महा आंदोलन है, जिन्होंने अभी तक 3 साल से वैकेंसी नहीं दी है उनके खिलाफ। तो हमारी पूरी टीम उस दिन यहां से भोपाल जाएगी। जो भी हमसे बन पड़ेगा हम वहां पर हमारा प्रयास करेंगे, हम अपनी बात सामने रखेंगे कि आप हमें उनका जवाब दो। अगर हमें जवाब नहीं मिलता है तो फिर हम हमारे हिसाब से काम करेंगे। क्यों? क्योंकि उपचुनाव आने वाले हैं, तो वो देखते हैं फिर क्या होता है। तो एमपी पुलिस की भर्ती दो दोस्तों, हम आपके साथ है, मेरी टीम पूरी आपके साथ है। और 4 तारीख को हमारी कोई क्लास नहीं होगी, 4 तारीख को हम वहां पर जाएंगे आंदोलन में। तो मैं आपके साथ हूं दोस्तों, अगर कुछ स्टूडेंट अगर हमसे जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते, बस आप हमारा सहयोग करें दोस्तों। 4 तारीख का जो आंदोलन है हमें उसे सफल बनाना है, असफल नहीं। बस यह है कि उनके कानों में यह बात जाना चाहिए कि यहां का युवा भी नौकरी के बारे में सोचता है। हमें पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों जॉब की बहुत जरूरत है। 3 साल से हमारी वैकेंसी नहीं आई, बच्चे सुसाइड कर रहे, बच्चे परेशान हो गया, और एक तरीके से ये कोरोना की मार। कुछ बच्चे कैटरिंग का काम करते थे, कुछ शाम को आईपीएस में काम करने जाते थे, और कुछ बच्चे गार्ड की ड्यूटी करते हैं, कुछ बच्चे कहीं पे एटीएम में जाके सेवा देते हैं दोस्तों, और कई प्रकार की अलग अलग कंपनियों में काम करते, कोई चॉकलेट की कंपनी में काम कर रहा है दोस्तों, स्टूडेंट की बात बता रहा, कोई चॉकलेट के यहां काम करने जा रहा, कोई दाल मिल में काम करने जा रहा, कोई सब्जी मंडी खुल नहीं रही इसलिए इधर उधर भटक के काम